हे गुड मॉर्निंग, क्या बोलती पब्लिक, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज है सैटरडे और सैटरडे को है राजेश की छुट्टी, तो आज हम बहुत ज्यादा सोए, 10:30 बजे तक सो ही रहे थे और नींद भी अपने आप ही जा गई क्योंकि लाइट चली गई सुबह सुबह और अभी तक नहीं आई। 12 बज गए, पर कोई बात नहीं, लाइट नहीं है तो नहीं है, टीवी देखने नहीं मिलेगा वो बात है, पर पता नहीं लाइट कैसे चली गई, बारिश भी नहीं हो रही, पूरी धूप निकल रही है फिर भी पता नहीं कैसे चली गई। टीएम के उसी देखना था, इस टाइम पे बहुत अच्छे अच्छे एपिसोड आते हैं, सोनी पल पे 10:30 से 2 बजे तक पुराने एपिसोड आते हैं तो देखने में बहुत मजा आती है। पर कोई बात नहीं, फिलहाल नीचे गरम गरम पराठे बन रहे हैं हमारे ब्रेकफास्ट के लिए, 12 बजे ब्रेकफास्ट बन रहा है हमारा, गरम गरम पराठे बन रहे हैं तो वो जाके खाते हैं। चलो तो जैसे ही मैं नीचे आया मेरे को पता चला कि दही नहीं है, दही लेने जाना पड़ेगा। फिलहाल मैं पहले वो काम करने जा रहा हूँ जो 2-3 दिन पहले मैं गया था और वो जो डिलीवरी नहीं मिली थी ना मेरे को, उन्होंने मेरे को बोला था 2 दिन बाद आना, 4 या 5 दिन हो गए, अब मिल ही जाएगा, वो पहले वो चीज़ ले लेते हैं। जो चीज़ की डिलीवरी लेनी थी वो तो मिल गई, अच्छा हुआ, ये काम भी ख़त्म। तो 1 बजे ब्रेकफास्ट हो चुका है, अब मैं जाता हूँ ऊपर क्योंकि पावर है नहीं, तो ऊपर जाके कुछ काम करता हूँ क्योंकि टीवी नहीं होता तो बहुत बोर लगता है। और आज तो 2-2 मैच थी, शिट, 2:30 बजे मैच चालू हो जाती है शायद, 2:30 बजे तो कवरेज चालू होता है, 3-3:30 बजे मैच चालू हो जाती है, तब तक तो लाइट आ जानी चाहिए। वैसे आज मुंबई की मैच तो है नहीं तो कोई टेंशन नहीं है, कल है मुंबई की मैच, कल तो लाइट रहेगी। ऊपर तो मैं आ गया पर कल की एक मगजमारी वाली चीज़ बताना तो मैं आपको भूल ही गया, ये हो रहा है कि देखो हमारा जो विसर्जन वाला व्लॉग है उसमें 10-15-20 क्लिप्स ऐसी है जो iCloud में स्टोर हो गई है और अभी लोड नहीं हो रही, उनपे एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है और ऐसी बहुत मगजमारी हो रही है, तो राजेश एडिट नहीं कर पा रहा है। पर कोई बात नहीं, मैं कुछ ट्राई करता हूँ अभी, अगर हो जाए तो अच्छा है, वरना वो व्लॉग आधा अधूरा जैसा तैसा ही बनेगा, गुस्सा आता है, एक तो पूरा दिन व्लॉग बनाओ और फिर अगर ऐसा हो जाए तो अच्छा नहीं लगता, तो मैं कुछ ना कुछ तो ट्राई करता हूँ जल्दी से जल्दी क्योंकि अब राजेश व्लॉग एडिट करेगा। वैसे वो व्लॉग अभी तक आ जाना चाहिए था पर आया नहीं है, इसी वजह से जो भी दिक्कत आ रही थी iCloud की और वो सब जो भी वीडियो का हो रहा था वो सॉल्व हो चुकी है। अभी अभी मैंने iMovie में सब कुछ जो भी प्रॉब्लम थी वो सब का सलूशन निकाला और राजेश के फ़ोन में ट्रांसफ़र किया, और राजेश को ही देख लो आप, राजेश कितना बुरी तरह फ्रस्ट्रेटेड था उस चीज़ के बारे में। कल रात को भी मैंने आपको बताया था कि उस चीज़ की वजह से हमारा आधा ब्लॉग जो है अभी लो पावर मोड आ गया है, तो जैसे ही ये चीज़ शूट करेंगे शायद फ़ोन भी बंद हो जाएगा, आज पूरे दिन लाइट भी नहीं है घर पे। तो एक और फ्रस्ट्रेशन वाली बात है कि छुट्टी है जिस दिन मैं ज़्यादा एडिट करता हूँ और आज लाइट ही नहीं है, तो एक वीडियो भी नहीं एडिट हो पाया क्योंकि ये iCloud वाली मगजमारी हो रही थी, ऊपर से अभी बैटरी कम हो गई है और लाइट नहीं है, तो शायद आज का जो नॉर्मली ऑफिस चालू होता है उस दिन एक वीडियो चला जाता है वो भी नहीं गया अभी तक, तो कंगाली में आटा गीला वाली बात है, पर ठीक है, भगवान पूरी तरीके से हमारे साथ है। पर एक चीज़ अच्छी है कि मैंने बहुत अच्छी नींद ले ली, उसकी वजह से कल मैं जल्दी सोया था और आज लेट उठा, तो बहुत ही अच्छी वाली नींद आई है बहुत। तो आज ट्राई करेंगे कि जब लाइट आ जाए उसके बाद एडिट करूँ जितना हो सके, अभी जो चीज़ अपने हाथ में नहीं उसके लिए रो के फ़ायदा नहीं है, अभी के लिए हम लोग बैट इधर उधर हिला उल्लू कर रहे हैं, तो अभी के लिए ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया iCloud का जो भी चीज़ था। पहले भी होता था ये, मतलब पहले कोई भी एक एक क्लिप ही ऐसे होती थी तो हम लोग इतना ध्यान नहीं देते थे कभी, पर आज सीधा 12-15-16 कुछ क्लिप हुई थी, तो कल के दिन ही उस प्रॉब्लम पे इतना ध्यान गया और अभी आज सुबह में वो वाला प्रॉब्लम जो भी है सनी ने कुछ करके उसका एक रेजोल्यूशन निकाल गया, तो अभी आगे से वो चीज़ कभी नहीं होगी। चलो अभी के लिए जितना एडिट होता है उतना सही है, कब तक वीडियो हो जाता है मैं बताता हूँ आपको। ये इतनी सारी घड़ियाँ टाइम कौन सी वाली में दिखता है सब में? मेरे को बताओ इस वाली घड़ी में कितना टाइम हो रहा है? 6 बज ही नहीं रहे, 7 ऊपर हो गए अभी तो काउंट करके दिखाओ मेरे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 घड़ी। और ये किसकी परमिशन, आपने घर से परमिशन ली ये सारी चीजें बनाने की? मैं बाहर आया और प्लीज आरो शरिया बना दिए। किसने दे दिया आपको मार्कर? बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। तो मार्कर से कोई जगह पे लिखते बेटा, वो हाथ पे नहीं लिखा जाता उससे। तो जैसे आपने देखा दोपहर को एक क्लिप ली थी, उसके बाद तो फोन डेड हो गया था क्योंकि पूरे दिन से पावर नहीं है, फोन डेड होने के बाद चार्ज कर ही नहीं पाए। अभी अभी जैसे ही आपने बच्चों की क्लिप देखी तब उसके आधे घंटे पहले लाइट आई होगी, तो पूरे दिन में कुछ शूट नहीं हुआ है सच बताऊँ तो, बहुत कम हुआ होगा और उसी की वजह से आप देख रहे होंगे कि ब्लॉग बहुत ही छोटा है। और दूसरी मैच ये चल रही है,
जिसको देखने में हमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। रॉकी को भी नहीं, राजेश को भी नहीं, मेरे को भी नहीं, पर फिर भी ये चल रही है। फिलहाल मम्मी और दीदी आज की जो सीरियल मिस हो गई ना लाइट जाने की वजह से, वो सीरियल फोन में देख रहे हैं। देख रहे हो क्रेज, देख रहे हो। तो आज का दिन खत्म होता है इतनी जल्दी, मतलब अभी तो इतना ज्यादा शूट किया भी नहीं है सनी और मैंने दोनों ने मिलके भी, पर हाँ जो भी था यही था आज का दिन। लाइट नहीं थी तो दो चीजें कॉम्प्रोमाइज हो गई, एक तो ये हमारा व्लॉग क्योंकि बहुत ज्यादा फुटेज नहीं आ पाती है, ये फोन इतना ज्यादा बैटरी नहीं हैंडल कर पाता, मतलब पूरे दिन भी नहीं चलता है वो, मतलब दिन में एक आध दो बार चार्ज करना ही पड़ता है। और दूसरी चीज ये कि एडिटिंग भी काफी हो जाती है जिस दिन मेरी छुट्टी होती है उस दिन, पर आज जो वीडियो जाना चाहिए उसकी भी एडिटिंग खत्म नहीं हुई थी तो आज वीडियो नहीं डाल पाए हम, और वो एडिटिंग कल रात को ही हो जाती पर कल रात को मैंने आपको बताया था वो बहुत सारा, मतलब बहुत सारी चीजें एक साथ हो गई, कल वो वीडियो की मगजमारी, फिर आज का व्लॉग भी अच्छे से नहीं बना, आज जो ज्यादा एडिट होना चाहिए था वो भी नहीं हुआ, तो काफी सारी चीजें बुरी तो हुई ही है। पर शाम को मैं बढ़िया से साइकिल लेके निकल गया था साइकिल चलाने के लिए बहुत दिनों बाद, तो बहुत मतलब मैं ऐसे ऐसे रस्तों पे गया जहाँ पे मैं पहले गया भी नहीं था, और बहुत सुनसान रस्ते और ऐसे शाम को बहुत मजा आती है ऐसे रस्तों में जाना। हाँ मतलब शाम को कोई होता भी नहीं है रोड पे, और सुनसान रस्तों पे तो वैसे ही कोई नहीं होता, और यहाँ पे हर जगह खेत वेती है ना, मस्त बादल भी एकदम सनसेट का माहौल होता है, तो काफी ब्राइट लाइट आती है बादलों में से, और सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा होता है, तो ये एक एडवांटेज है। हर दिन में कुछ ना कुछ अच्छा होता ही है। आज मेरे दोस्त ने भी ऐसा ही कुछ इंस्टाग्राम पे डाला था कि देयर इज समथिंग गुड इन एवरी डे और ऐसा कुछ, तो फिर मैं क्या कि हाँ इस नजरिए से देखे तो साइकिलिंग में जाता नहीं क्योंकि अगर मेरे फोन में चार्ज होता तो मैं उसी में लगा पड़ा होता एडिट करने पे, कि जितना ज्यादा एडिट हो जाए उतना अच्छा है। साइकिलिंग चला गया, मेरे को बहुत ही मजा आया, ऐसे ही रैंडमली कोई भी अंकल लोग को क्या छो काका कैसे हो आप ऐसे करके आए, लोग करने में बहुत मजा आता है मेरे को। और उस वक्त है ना मैंने क्या देखा मालूम, ऐसे कैनल जैसा है हमारे यहाँ पे आगे, तो वहाँ पे लोग मछली पकड़ रहे थे, वो लोग लिटरली एक डंडी पे ऐसी दोरी लगा के, और ऐसा कुछ प्रोफेशनल नहीं कि ऐसे उनके पास वो रस्सी ये करने का, वो लोग सीधा ऐसा फेंक रहे थे और अगर उनको कुछ फील हो रहा था तो ऐसे वापस खींच रहे थे। तूने देखा एक आध मच्छी आई थी? 10-15 मच्छी आई थी, बहुत सारी, मतलब मेरे को एड्रेस बता, मैं जाऊंगा। यहाँ से अपन सीधा जाते हैं, मैं बताता हूँ तेरे को कहाँ पे, इधर ही पास में वो, मतलब मैंने अचानक से मैं ऐसे साइकिल रोक के ना 10 मिनट वहाँ पे देखा कि ये लोग कर क्या रहे हैं। एक तो मस्त वाइब आ रही थी, गाने सुन रहा था, मस्त माहौल हो रहा था, ये मच्छी पकड़ रहे हैं लोग, अपना अपना काम कर रहे हैं, मस्त धीरे धीरे पैडल कर रहा हूँ, धीरे धीरे जहाँ जाना है वहाँ जा रहा हूँ। साइकिल चलाना मेन नहीं था, मेन तो ये था कि चलो थोड़ा घूम के आते हैं बाहर क्या चल रहा है, फ्रेश एयर। अभी के लिए ये वीडियो खत्म करता हूँ, आज का जो वीडियो एडिट करना है उसको पहले एडिट करूंगा फिर मैं सोऊंगा। एनीवेज गाइस आई होप यू गाइस एंजॉय द व्लॉग, तो जल्दी से हमारे सब्सक्राइबर्स 444 करा दो, अभी तो बहुत ही कम बाकी है, मेरे को लगता है आप सब्सक्राइब करोगे ना उसके बाद हो जाएंगे, ठीक है? तो जल्दी से नीचे रेड कलर का बटन है उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब करो। आई विल सी यू गाइस टुमारो, तब तक के लिए पीस आउट।